तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कहने वाले हैं बेटर माइंड कराओ, और फटाक से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बेसिक यहाँ पे थोड़ी बहुत तो फटाक से मैंने यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लिया है, और वुड कलेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी बेसिक टूल बना लेता हूँ, और बेसिक टूल बनाने के बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे चला जाता हूँ और भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोरिंग करने। और मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले कभी यहाँ पे बेटर माइनक्राफ्ट नहीं खेला, और इसके अंदर बहुत सारे मोड आते हैं, और ये आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इसको प्ले कैसे कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। और एक बात और बता दूँ, ये सिर्फ यहाँ पे पूजा लॉन्चर में नहीं चलने वाला, ये सिर्फ यहाँ पे जावा एडिशन में चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही भारी यहाँ पे रिसोर्स पैक है इसलिए, और पूजा लॉन्चर में ये नहीं चल पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लेग करता है। तो अब यहाँ पे माइनक्राफ्ट हम यहाँ पे अपने सीरीज में आते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे आगे जा रहा था तो एक ज़ॉम्बी आया जिसने यहाँ पे एन्चेंटेड आर्मर पे रखा था, वो भी आयरन वाला। तो कतई मुझे यहाँ पे उससे डर लगा, तो मैं यहाँ पे आगे आ चुका था, और आगे आने के बाद में मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पे अपनी टूल अपग्रेड कर लें। तो बताना, मैं यहाँ पे बीच बीच में एनिमेशन डाल के इस वीडियो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे ये ऐसी एडिटिंग रेगुलर रखूँगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे ये नहीं रखूँगा। तो मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे और स्टोन कलेक्ट कर लिए थे जिससे मैं अपनी बेसिक टूल तो बना सकूं, और फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल ओपन करी। उससे पहले मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन और चाहिए थे, तो मैंने एक स्टोन और तोड़ दिया, और फिर क्राफ्टिंग टेबल ओपन करके मैंने यहाँ पे स्टोन टूल बना लिए। और पहले मुझे इसके लिए स्टोन टूल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने जितने जल्दी हम यहाँ पे अपने टूल अपग्रेड कर लेते हैं उतना हमें अच्छा रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी से टूल अपग्रेड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स एंड एक यहाँ पे पिकेक्स बना ली थी, और सोड की मुझे यहाँ पे इतनी नीडेड नहीं है, क्योंकि सोड इतनी काम नहीं आती है, एक्स के काम चल जाता है। और यहाँ पे एक पैरट दिखा था तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही, और ये क्यूट भी था, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ के आगे चलता हूँ। और जैसे मैं आगे चला मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल्ड दिखा, तो फटाक से मैंने यहाँ पे सारा का सारा कोल माइन कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत कोल भी हो चुका था, और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत और रिसोर्स चाहिए थे सर्वाइव करने के लिए, और मुझे यहाँ पे खाने वगैरह भी चाहिए थे जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था। और मैं जैसे थोड़ा आगे गया मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिखी, और जैसे मैं यहाँ पे माइन शाफ्ट में जाने लगा तो मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी मिल गया जिसको मैंने यहाँ पे किल कर दिया। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे मोड़ है जो मुझे अच्छे लगे, और जैसे मैंने यहाँ पे केव में जंप किया, और केव में अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और रिसोर्स इकट्ठा कर सकता हूँ, मैंने ऐसे सोचा। लेकिन आप यहाँ पे अंदर जाने के बाद में देखना, मुझे कुछ नहीं मिला लिटरली, ये केव एकदम यहाँ पे खाली थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, और ये एक ऐसी माइन शाफ्ट थी जिसके अंदर लूट तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे गया मुझे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी मिलने वाला है, मैं अभी आपको अभी दिखा दूंगा। और साइड में थोड़ा आयरन रह गया, वो मैंने नहीं देखा था। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और आगे जाने के बाद में अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो मुझे एक एन्चेंटेड ज़ॉम्बी मिला था, और ये ज़ॉम्बी दिखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, और मैंने इसको पास में जाके मार भी डाला। ये इतना खतरनाक नहीं था, ये नॉर्मल ज़ॉम्बी सही था, लेकिन इसके यहाँ पे एक आर्मर बता रहा था, मतलब इसको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला एंचेंट इसके अंदर ही डाल दिया है, आर्मर के अंदर नहीं डाल सका, क्योंकि माइनक्राफ्ट के यहाँ पे थोड़ा सा बजट कम हो रहा है। और यहाँ पे मुझे एक क्रीपर भी मिला था जिसको भी मैंने आसानी से मार दिया, विदाउट एक भी यहाँ पे हार्ट नहीं गया मेरा। तो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट में प्रो खेलता हूँ, लेकिन कभी कभी यहाँ पे मैं भी पिघल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनक्राफ्ट में कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और जल्दी से मैं यहाँ पे अब आयरन माइन कर लेता हूँ। तो
मैंने यहाँ पे बहुत सारा आयरन माइन करके उसका यहाँ पे आर्मर वगैरह बना लिया था। तो मैंने यहाँ पे आयरन माइन करके उसके आर्मर वगैरह बना लिए थे और टूल भी थोड़े बना लिए थे, और मैंने एक हैमर भी बनाया है। उसका काम क्या है मुझे पता नहीं है, अगर आपको बताए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मुझे एक विलेज दिखा था और मैं चुटकी बजाते उस विलेज के अंदर एंटर हो चुका था। और विलेज के अंदर एंटर होने के बाद में सारे कुछ माइनक्राफ्ट प्लेयर करते हैं वो भी मैंने किया। इस विलेज को मैंने पूरा लूट डाला और इस विलेज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये विलेज यहाँ पे नॉर्मल विलेज से थोड़ा अलग था, इसके अंदर जो घर थे वो भी थोड़े अलग थे, क्योंकि ये बेटर माइनक्राफ्ट है तो अलग तो होगा ही, और ये तो बेसिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और अगले सीरीज में हम इसमें शेडर भी लगाने वाले हैं। मुझे पहले यहाँ पे पता नहीं चला था कि इसके अंदर शेडर कैसे डालते हैं, और अभी मैंने यहाँ पे शेडर लगा लिया है। तो अगले यहाँ पे जितने भी एपिसोड आएंगे उसके अंदर यहाँ पे अपना शेडर होगा। तो अभी यहाँ पे इस सीरीज को, मतलब पहले एपिसोड को छोड़ के और बाकी एपिसोड में सब में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा अगर आप यहाँ पे सपोर्ट करते हो। अगर आप यहाँ पे व्यूज़ इसके अंदर आते हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। और मैं आगे जाने के वाले में मेरे हार्ट बहुत ही ज़्यादा कम थे, और मेरे पीछे एक स्केलेटन पड़ चुका था जो मैंने यहाँ पे एडिट में काट दिया, और उसको उसने मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 हार्ट छोड़े। और वैसे कैसे करके मैं यहाँ पे मैं विलेज में आया हूँ बहुत मुश्किल से, और मुश्किल से विलेज में आने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना मिल गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ। और खाना खाने के बाद में यहाँ तो यानी मैंने सारा सारा खाना खा लिया था, और अपने हार्ड यहाँ पे मैंने बढ़ा लिए, और जितना भी खाना और यहाँ पे बचा है वो सारा सारा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इन विलेजरों को तो कुछ काम आने नहीं वाला। और बाकी यहाँ पे जितने भी घर थे वो सारे के सारे यहाँ पे इनके अंदर कुछ भी नहीं था, ये एकदम यहाँ पे खाली पड़े थे। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जानवर वगैरह हैं, लेकिन अभी हम इसको मारने नहीं वाले, क्योंकि ये आगे जाके फार्मिंग में काम आएंगे। और मुझे यहाँ पे इस विलेज में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा घर भी दिखा था, वो भी आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी यहाँ पे अलग सा ब्लॉक दिखता है तो उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, इतनी भी यहाँ पे टॉर्च अपने आप यहाँ पे लग जाती है उसके ऊपर। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर करना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत और खाना था जिसको मैंने कलेक्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे एक क्रीपर आ चुका था और हम इस क्रीपर को मारने वाले हैं बहुत ही खतरनाक। तो मैंने यहाँ पे 2 शॉट में इस क्रीपर को ख़त्म कर दिया था, और बाकी सारा सारा खाना हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये यहाँ पे बेटर माइनक्राफ्ट के जरिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि हम इसमें एक लेते सर्वाइवल हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक ट्रेडर भी दिखा था, और ये विलेजर है वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमें इससे कुछ भी ट्रेड में नहीं चाहिए। तो अभी मैंने इस घर के अंदर आया और मुझे अलग सा ब्लॉक दिखा, तो मैंने उसको ऊपर टच कर लिया। और यहाँ पे किसी की बेड पड़ी थी जो मैंने उठा ली, क्योंकि अभी ये हमारी बेड है और ये अभी के अभी मैंने तोड़ के यहाँ पे अब इन्वेंट्री में डाल लिया है। तो अभी ये हमारी बेड है, मतलब मेरी बेड है। और मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि इस हैमर से कुछ अलग अलग ब्लॉक भी टूटते हैं या नहीं, तो इस हैमर से नहीं टूट रहे थे। और यही है वो घर जो मैं बात कर रहा था, ये घर इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रूम है, तो यहाँ हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और ये एक विलेजर का घर था जो यहाँ पे अलग सा था, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये अलग विलेजर था, ये इस मोड में आया था सिर्फ। और यहाँ पे एक फर्नेस भी थी जो हमारे यहाँ पे आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी मेट कर देगी, और आप इस घर का एक बार लुक भी ले सकते हो। तो ये घर बहुत ही ज़्यादा ओसम है। तो अभी यहाँ पे माइनक्राफ्ट जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रफ एपिसोड था। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।